अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? समझ रहे सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल लेकिनास बकेट। तो जनाब, आज मैं शेयर करने लगी हूँ आपके साथ मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स के मेकअप फिक्सर का रिव्यू। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए जी, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, मेरे पास है ये मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स का मेकअप फिक्सर। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा धूम मची है, बहुत ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट इसको रिकमेंड कर रहे हैं और मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी वैनिटी पे भी इसको देखा है। तो जो मेकअप जो प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट हों और सलून का काम करें, उनकी जो वैनिटी मुझे चीज़ नज़र आए ना, तो वो मुझे इंट्रीक ज़रूर करते कि मैं इसको तो ज़रूर ट्राई करूँ। ठीक है, तो ये जो ये वाला स्पेसिफिक सेटिंग स्प्रे है ना, मेकअप फिक्सर, ये मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना सलोन्स में यूज़ होता हुआ देखा है, तो इसलिए मैंने था कि मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगी। ठीक है, तो पैकिंग की अगर हम देखें तो पैकिंग काफ़ी अच्छी, डिसेंट और स्लीक पैकिंग है। ठीक है, आउटर पैकिंग, और प्राइस थी इसकी 2000 रुपीज़। डिलीवरी चार्जेस मुझे डले 250, तो ये टोटल मुझे 2250 रुपीज़ का जो है वो मिला है। ठीक है, अब हम इसकी अंदर वाली पैकिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, आउटर पैकिंग तो काफ़ी स्वीट एंड स्लीक है। मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स पे आपको पता ऑफ बहुत ही कम लगती है, तो इसलिए मैंने ऑफ का वेट नहीं किया, मैंने इसको ओरिजिनल प्राइस पे ही बाय किया। अंदर से जब बॉटल निकलती है तो ये ब्लैक एंड वाइट बहुत ही स्लीक सी, डिसेंट सी और काफ़ी लग्जरी फील दे रही है। एक ना हाई एंड प्रोडक्ट लग रही है बॉटल, ये ना फ्रोस्टेड ग्लास बॉटल है, ग्लास बॉटल नहीं है मतलब प्लास्टिक बॉटल है, और ब्लैक कलर का कैप है, और डिसेंट सी ऑल ओवर एक डिसेंट सी पैकिंग है इसकी। ठीक है, मेकअप फिक्सर लॉन्ग लास्टिंग एंड हाइड्रेटिंग, और ज़्यादा कुछ इसकी बॉटल पे मेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत ही डिसेंट सी बॉटल की पैकिंग है, और इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो हैं वो इसके आउटर पैकिंग पे जो है वो मेंशन उन्होंने किए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो सेटिंग स्प्रे है इसकी बात करें तो मैंने इसको ट्राई किया है। ठीक है, मैंने इसको अप्लाई किया है शादी पे, मैंने इसको यूज़ किया है, मैं लाहौर गई थी शादी पे, मैं वहाँ इसको यूज़ करती रही हूँ। ठीक है, अब इसकी मैं लास्टिंग पावर बताऊँ तो बहुत अच्छी है, ये मेकअप को काफ़ी अच्छा होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब ये एक हाइड्रेटेड स्प्रे भी है, आप इसको मेकअप से पहले भी लगा सकते हो, मेकअप के बाद भी लगा सकते हो। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है और स्किन को हाइड्रेट भी कर देता है और मेकअप को काफ़ी अच्छा फिक्स कर देता है और मेल्ट कर देता है, ताकि जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा केकी ना लगे और जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, मैंने इसको ना बहुत ज़्यादा ट्राई किया है शादी पे, और ख़ासतौर पे शादी पे मैंने इसको ट्राई किया बहुत हैवी मेकअप के साथ, और डे में भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, बट मुझे ये बहुत 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 अच्छा लगा, और अब मुझे समझ लगे कि इसकी क्यों इतनी है, फिर ये बेस्ट सेलर क्यों है मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स का। और अगर इसकी बॉटल की बात करें तो बॉटल भी काफ़ी अच्छी है, इसमें काफ़ी मतलब कि अच्छी खासी प्रोडक्ट है, कोई बहुत छोटी सी बॉटल भी नहीं है। ठीक है, पैकिंग भी इसकी अच्छी है, तो मुझे तो ये बहुत 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 पसंद आया। आपको भी इसको मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स में अगर आप जो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि एक मस्ट हैव जो प्रोडक्ट है वो इनका ये सेटिंग पाउडर है। ओ सॉरी, मैंने सेटिंग पाउडर बोल दिया, सेटिंग स्प्रे है। ठीक है, और वैसे भी मैंने इस ये जो है ना नंबर वन पे उनका हॉट सेलर पे आता है और नंबर वन प्रोडक्ट पे आता है, और वाकई में नंबर वन प्रोडक्ट है। आई थिंक सो कि ये जो है ना वर्थ द प्राइस है, इतना प्राइसी भी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, प्राइस के लिहाज से भी मुझे प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी लगी, और पैकिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही ऑसम क्वालिटी का है। ठीक है, पंप क्वालिटी की अगर हम बात करें तो देखें, पंप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और जब आप इसको स्प्रे करते हो ना तो काफ़ी अच्छा पंप क्वालिटी भी है, तो बहुत ही अच्छा से एक जैसा जो है स्प्रे आपके फेस पे हो जाता है, दो तीन पंप्स इज मोर देन इनफ। और फ्रेगरेंस जो है वो इसकी बहुत ही माइल्ड सी फ्रेगरेंस है, बहुत ज़्यादा हार्श फ्रेगरेंस नहीं है। ठीक है, माइल्ड सी फ्रेगरेंस है इसकी, इरिटेट नहीं करती आपको, एक अच्छी फ्रेश सी फ्रेगरेंस भी आपको मिलती है, तो ऑल ओवर ये एक 10/10 है और 100% रिकमेंडेड है और होना चाहिए। एक अच्छा सेटिंग एक अच्छा मेकअप फिक्सर आपकी वैनिटी में लाजमी होना चाहिए, तो मेरी तरफ से मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स का तो 10/10 है। और आजकल वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं ड्रग स्टोर प्रोडक्ट को भी छोड़ के अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को ट्राई करूँ, उनको उनकी चीज़ें ट्राई करूँ, तो जो जो चीज़ें मेरी रिस्टॉक करने वाली हो रही है ना, मैं उनको ड्रग स्टोर से जो है शिफ्ट कर रही हूँ पाकिस्तानी प्रोडक्ट पर, और उनको मैं ट्राई दे रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रोडक्ट्स जो है अपनी वैरायटी में शामिल करूँ, और आपके साथ भी उनके ऑनेस्ट रिव्यू जो मुझे चीज़ अच्छी लगे वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ठीक है, तो जनाब ये है मरियम परवेज कॉस्मेटिक्स का मेकअप
फिक्स्ड, पहले मुझे थोड़ा सा प्राइस ही लगता था, बट जब मैंने बाय किया इसको तो व्हाट्स द प्राइस है, ठीक है, 100% रिकमेंडेड है, इसको जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपने इसको बाय किया या नहीं किया, या और किसी प्रोडक्ट का आप रिव्यू चाहते हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। मैंने पर वे कॉस्मेटिक्स में मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि उसका रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँ, प्रोडक्ट को बाय करूँ और देन फिर आपके साथ उसका रिव्यू लाजमी शेयर करूँ। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।